अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोभी। गोभी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी ग्रीन लीव्स हैं उनको आपने रिमूव करना है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप इनको हाथ की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल आ रही हो तो आप छुरी के ज़रिए भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपने स्टेम को रिमूव करना है। स्टेम और ग्रीन लीव्स को डिस्कार्ड कर दें और गोभी को हाफ करके स्मॉल पीसेस के अंदर काट लें। जब तक मैं गोभी को काट रही हूँ, चलिए मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें पावर हाउस फूड्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर गोभी को 24th नंबर पर रखा गया था। गोभी के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स और विटामिन्स मौजूद हैं। ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये प्रिवेंट करती है कैंसर जैसी बीमारियों को। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA नेशनल न्यूट्रिएंट डेटाबेस के मुताबिक गोभी के एक कप के अंदर 27 कैलोरीज होती हैं, 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, 0.3 ग्राम्स फैट होता है, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जिनमें से 2.1 ग्राम फाइबर और 2 ग्राम शुगर होती है, 24 मिलीग्राम कैल्शियम, 16 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 47 मिलीग्राम फॉस्फोरस, 320 मिलीग्राम पोटेशियम, 51.6 मिलीग्राम विटामिन सी, 16.6 माइक्रोग्राम्स विटामिन के, 0.197 माइक्रोग्राम विटामिन B6, 61 माइक्रोग्राम्स फोलेट होता है। 1 कप गोभी के अंदर 77% हमें विटामिन सी मिल जाता है, 20% विटामिन के और 10% विटामिन B6 और फोलेट मिलता है। इसके साथ साथ इसमें स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंथोथेनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मैंगनीज भी मौजूद होता है। गोभी से आपकी जो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज़ है, उनके रिस्क को ये कम करती है। गोभी के अंदर फाइबर्स मौजूद हैं जो प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को और लोअर करेगी द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर को। इसके साथ साथ जो इसमें डाइट्री फाइबर्स मौजूद होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इम्यून सिस्टम के लिए। और हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की मौजूद है, डायबिटीज़ की वजह से हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो, कैंसर या ओबेसिटी की वजह से हो, तो ये इसके रिस्क को लोअर करेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उससे हमें किसी भी किस्म की कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, स्ट्रोक नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगी, डायबिटीज़, ओबेसिटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ नहीं होंगे। इसी तरह जो हाई फाइबर डाइट होती है वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लोअर करती है, ये इम्प्रूव करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और इन्हांस करती है वेट लॉस को। गोभी के अंदर इंडोल-3 कार्बिनोल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो हर किस्म के कैंसर को प्रिवेंट करता है। गोभी के अंदर कॉलीन मौजूद है। अब कॉलीन क्या चीज़ है? ये विटामिन लाइक फैक्टर होता है जो हेल्दी स्लीप के लिए, हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए, लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोभी के अंदर विटामिन के मौजूद है जो इम्प्रूव करता है बोन की हेल्थ को और इम्प्रूव करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। जो फ्लोरेट्स हैं उनको आप मीडियम साइज़ के भी काट सकते हैं, स्मॉल साइज़ के भी काट सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। लेकिन जो फ्लोरेट्स के नीचे स्टेम्स हैं उन्हें आपने बारीक काटना है क्योंकि वो देर से गलते हैं। गोभी हमारी कट चुकी है। अब हमने लिए हैं 2 स्मॉल साइज के अनियन, 1 मीडियम साइज का टमाटर, स्मॉल साइज का जिंजर और 1 गार्लिक बल्ब जिसे हमने पील ऑफ करके स्मॉल साइज में चॉप्ड कर लिया है। अब हम लेंगे 2 बड़े साइज के आलू जिन्हें हम पील ऑफ करेंगे।
अब हम आलू को स्मॉल साइज में काट लेंगे, लेकिन हमें इसे थोड़ा मोटा काटना है क्योंकि अगर ये बारीक होंगे तो ये गोभी के साथ ही घुल जाएंगे, लेकिन अगर ये थोड़े से मोटे होंगे साइज में, स्मॉल हो लेकिन थोड़े से मोटे हो, तो ये गलने के दौरान ये नाश नहीं होंगे। कटिंग हमारी सारी हो चुकी है, अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर चॉप प्याज डालेंगे और हाफ कप ऑयल के अंदर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें चॉप्ड गार्लिक और जिंजर ऐड कर लें और इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। अब इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 glass ऑफ वाटर, 1 tablespoon salt, नमक, 1/2 tablespoon cumin seeds powder, जीरा powder, 1/4 tablespoon black pepper, काली मिर्च, 1/2 tablespoon coriander powder, धनिया, 1/2 tablespoon turmeric powder, हल्दी, 1/2 tablespoon red chili powder, लाल मिर्च का powder। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो हम इसमें शामिल करेंगे गोभी, गोभी के साथ ही हम आलू भी डाल देंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से आलू और गोभी के ऊपर लग जाएं। अब मैं इसमें 1 glass पानी का मज़ीद ऐड कर रही हूँ और इसे ढक दूंगी। 5 minutes के बाद आकर मैंने आलू गोभी को अच्छी तरह से मिक्स किया है। इस दौरान जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है। अगर आप 1 glass पानी का ऐड करेंगे तब भी आलू गोभी बन सकती है, लेकिन आपको फ्लेम लो रखना होगा। टेन मिनट्स के बाद आलू गोभी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 tablespoon गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
आलू गोभी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी किस्म का फ्लेवर चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज को ऊपर से गार्निश करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ स्पाइसेस को नॉर्मल रखा है, इसलिए मैं ग्रीन चिलीज को ऐड नहीं कर रही। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।